मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम कैसा बना रहेगा, कहां पर कैसे हवाएं बने रहेंगी, क्या कुछ तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और कैसा पूरा मौसम का मिजाज आने वाले दो दिनों तक बना रहेगा, क्या कुछ मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ेगी और क्या मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रदेश का तापमान, यानी कि प्रदेश के कौन से हिस्से में कहां पर कितना तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और साथ ही साथ कई ज़िलों में क्या कुछ हालात अभी यहां पर ठंड के बाद बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई ज़िलों में तापमान में गिरावट देखी गई है, लेकिन आपको बता दें कि हवाओं का रुख जो है वो उत्तरी बना हुआ है, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आंशिक बादल रहने से दिन में भी तापमान में कमी बनी हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार की अगर बात करें तो सबसे कम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस के साथ मंडला में रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पर सबसे कम तापमान रहा। वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कम तापमान रहा, यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तापमान ऐसा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी। आपको बता दें कि दिन के अगर तापमान की बात करें तो कई जिलों में दिन का तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको बता दें कि सामान्य के आसपास ही अधिकतर जिलों में तापमान बना हुआ है। इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी, मंडला, रायसेन के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों की अगर बात करें तो कई जिलों में तापमान जो है वो सामान्य के आसपास बना हुआ है। कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते हवा का रुख उत्तरी बना हुआ है और इसके चलते वातावरण में ठंड बरकरार है। मौसम शुष्क बना रहने के कारण तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। इसी तरह आने वाले 3-4 दिन तक तापमान ऐसा ही बना रहेगा और इसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते हवाओं का रुख बदलेगा। आपको बता दें कि अभी 3-4 दिन बाद ये स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के दाखिल होने से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होगा। इसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में काफ़ी कुछ बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसके चलते इसका सीधा असर मध्य प्रदेश पर भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जहां एक दो दिन तापमान में चढ़ाव महसूस हो सकता है, तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही लौटेगा वैसे वैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह यानी कि 15 नवंबर तक ठंड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से सटे उत्तर प्रदेश और राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। कई जगहों पर मौसम का मिजाज बदल गया है और कई ज़िलों में अभी ठंडक का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम लोगों को हल्के गर्म कपड़े निकालने की भी ज़रूरत महसूस हो रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है और इसका सीधा असर पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा वैसे एक दो दिन तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में माफ़ कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होगी और इस बर्फबारी की सीधी हवाएं मैदानी इलाकों में आएंगी, जिसके चलते ठंडक बढ़ेगी, तापमान गिरेगा और लोगों को काफ़ी ज़्यादा एहसास होगा ठंडक का। वहीं आने वाले दिनों में यानी कि 15 नवंबर तक ठंड बढ़ने के आसार बन रहे हैं। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।